हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैं उसी कड़ी में आपको रूल्स बताऊंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के। ठीक है, तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स जानने चाहिए, कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए और कौन कौन से रूल बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, तो ये हमें जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको कोई प्रॉब्लम हुई, क्या कोई चीज नहीं समझ में आई तो हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर फर्स्ट जानते हैं, समझते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रूल नंबर पहला कहता है हमसे, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का रूल नंबर पहला है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमसे कहता है अगर इफ ओनली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर किसी कंपाउंड में ओनली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो नो एनी अदर सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर कोई सीनियर ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो मैं इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए। इसमें मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नंबरिंग करने पे हमें सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना जान लीजिए कि डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, ऑलवेज प्रिफर देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब डबल बॉन्ड को पहले हम लोग प्रिफर करते हैं, अगर डबल बॉन्ड किसी एक नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड भी दोनों की नंबरिंग सेम आ रही है तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रिफर करेंगे, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए उसी को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, रूल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बार और दोहराना चाहूंगा, इफ ओनली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, ठीक है, नो एनी अदर सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं पहले, ये हम क्या हमसे कहना चाहता है रूल नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैं आपको अगर बताना चाहूं कि हम लोग इस रूल के माध्यम से क्या समझना चाहते हैं, रूल ने आपसे क्या कहा कि जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आए, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको अगर नंबरिंग करना चाहिए तो नंबरिंग करना चाहे तो नंबरिंग तो आपको ये नजर आ रही होगी, हम कोई भी प्राइमरी कार्बन से ही हमेशा शुरू करते हैं, प्राइमरी कार्बन रूल हमें जरूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आईपीएससी, आपसे कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, शुरू करते हैं, प्राइमरी कार्बन कौन कौन से है पहले ये देख लीजिए, ये प्राइमरी कार्बन नजर आ रहा है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि प्राइमरी कार्बन हम लोग कैसे छांटते हैं क्योंकि मैं अपने पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं प्राइमरी कार्बन रूल क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूं, जब एक सिंगल कार्बन से अटैच हो तो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये हो गया, हमने छांट लिया प्राइमरी कार्बन। अब देखिए क्या करते हैं, प्राइमरी कार्बन से हमें लंबी चेन छांटनी है, सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए ये रूल होता है, सबसे पहले हमें नंबरिंग करना रहता है, लॉन्गेस्ट चेन छांटनी रहती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन छांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, वाओ 1 2 3 4 5 6, अरे यार सेम आ रहा है, 1 2 3 4, नो 1 2 3 4 5, छी 1 2 3 4 5, नो। तो हम लोग कौन सी प्रेफर करेंगे, कोई भी, देखिए हमें 6 कार्बन की मेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, हमें यही दोनों मिल रही है। ठीक है, एक ये मिल रही है, एक ये ऊपर जाने पे मिल रही है, दो ही मेन चेन हमें मिल रही है लॉन्गेस्ट। अब हमें क्या चाहिए, दोनों फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होने चाहिए, ये कंपलसरी होता है आईपीसी नॉमेनक्लेचर में कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप आए मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रिंसिपल चेन में ही रहे। ठीक है, तो हमें ये नजर आ रहे होंगे ये फंक्शनल ग्रुप हमें नजर आ रहा है, 6 कार्बन के ये भी मिल रही है, 6 कार्बन की ये भी मिल रही है, तो हम कौन सी प्रीफर करेंगे, ये वाली प्रीफर करेंगे। हम लोग इसको ले लेते हैं एक रेक्टेंगल में लंबी वाली, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल चेन। ठीक है, आपको बता दूं ये आपकी कौन सी है, प्रिंसिपल चेन, आपको अच्छे से समझा रहा हूं, प्रिंसिपल चेन। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये नंबरिंग करनी है, तो वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो जब हमने वो जो रूल कह रहा था वो मैं अभी दूसरे एग्जांपल में अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इस एग्जांपल में हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए क्या वो रूल हमसे कहता था, जब दोनों बॉन्ड सेम पोजिशन पे आए, तो इसमें क्या है, 1 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, इधर से अगर करते हैं तो 1 2
टू नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी आप कर सकते हैं, इसमें आप फ्री है, ठीक है। इसमें नंबरिंग जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप नजदीक लगे वहीं से आप नंबरिंग कर दीजिए। तो हमें फंक्शनल ग्रुप यहीं से नजदीक मिल रहा है यार, तो हम लोग यहीं से कर देते हैं नंबरिंग। हाँ और क्या, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्या है याद आ रहा है कुछ? सब्स्टिट्यूएंट। गोले में क्यों भर रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हम लोग गोले में भर लेते हैं, इससे हमसे गलती नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपके सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने प्राइमरी चेन छाट ली, लॉन्गेस्ट चेन छाट ली प्राइमरी कार्बन से, और उसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग भी कर लिया। तो अब इस पे ये सिंपल छाट लेते हैं कौन कौन से नंबर पे क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए ये क्या है, जहां पे, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा भैया, कार्बन की एक वैलेंसी लगी हुई है तो तीन वैलेंसी किससे लगी हुई है आपको समझना है, अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट में हमें बताइए। तो ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, और ये तीन कार्बन है 1 2 3, और एल्किल के रूप में जुड़ा हुआ है। यहां से अगर तोड़ोगे तो ये एक खाली डंडा, खाली हाथ एक मिलेगा हमें, खाली डंडा मिलेगा, ठीक है। ये कार्बन से लगा हुआ एक खाली डंडा हमें मिलेगा, खाली हाथ, आपको मैं बता चुका हूं ये फ्री वैलेंसी, ठीक है, एल्किल के रूप में लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। प्रोपाइल ग्रुप को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, PR, ऐसे भी डिनोट करते हैं, पूरा पूरा भी लिखते हैं प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, प्रोपाइल भी लिख देते हैं। तो आइए इसका IPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। हमें देखिए तीन नंबर पे क्या मिला, तीन नंबर पे हमें मिला मिथाइल ग्रुप, तीन नंबर पे हमें मिला मिथाइल ग्रुप, फिर तीन नंबर पे हमें क्या मिला, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। और क्या मिला हमें देख लेते हैं, वन नंबर पे क्या मिला, आयन। फंक्शनल ग्रुप का जो IPAC नाम क्या लिखते हैं, आयन, ये समय आपको बता चुका हूं। ये देखिए डबल बॉन्ड हमें किस पे मिला है, फोर नंबर कार्बन। अगर देखिए एक बात और आप यहाँ जरूरी बात है, अगर दो के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें कौन सा कार्बन लेना चाहिए, जिधर से हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो उधर से जब बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो हमें मिलता है ना, हम लोग उसी को नंबरिंग पे लिखते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन उसी से दर्शाते हैं, उसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, किस कार्बन को ले, इस कार्बन को ले, क्योंकि नंबरिंग हम लोग इधर से कर रहे हैं तो पहला कार्बन यही हमें मिल रहा है, ठीक है। ये जरूरी बात है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, फोर नंबर पे क्या मिला, इन। आइए अब IPAC नॉमेनक्लेचर भी इसका कर लेते हैं, टोटल टोटल कर लेते हैं यार, कहिए तो मैं पूरा अच्छे से लिख के दिखा दूं, टोटल कर लेते हैं आप। और क्या, आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, कर लेते हैं, बहुत ही आसान है यार, इतना इतना थोड़ी ना कोई यार, इतना नहीं यार। अब देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं, एक आसान से नाम इसका कर लेते हैं, सब कुछ तो लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। थ्री, अब इसमें अल्फाबेटिकल आर्डर जरूर देखना है, हाँ अल्फाबेटिकल आर्डर जरूर देखना है, ये जरूर ध्यान देना। एक बात और मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, एल्क, हेक्स। तो जाहिर सी बात है यार, हेक्स ये तो सबको पता है, मैं अब तो आपको रट गया होगा, मैंने बता चुका है एल्क के बारे में, व्हाट इज एल्क, मैंने वीडियो भी बना चुकी है, आपने नहीं देखा तो उसको देखिए और सीखिए। तो हम लोग इसका नाम सीधा सीधा लिख देते हैं, 3-methyl, 3 पे हमें क्या मिला, प्रोपाइल, उसके बाद क्या मिला हमें, हेक्स। 4 पे हमें इन मिला था, 4 पे क्या मिला था, इन, इन, और 1 पे क्या मिला था, आइन। और मैं आपको बता दूं, ये 1 और 4 क्या कराते हैं, बॉन्ड की पोजीशन बताते 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 हैं, इसको रट लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, और ये वीडियो चूंकि ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं उस जो रूल नंबर फर्स्ट था उसका डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत दे रहा हूं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए, और बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया या फिर क्या बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।